चलिए दोस्तों, एक आईडी कार्ड डिज़ाइन करते हैं। आईडी कार्ड हमने यहाँ रखा है बना करके पहले से ही कोरल ड्रॉ में। चलिए इसे हम पहले सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे कि ये कार्ड है और ये लैनयार्ड, ये दोनों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ये लैनयार्ड सब्लिमेशन से प्रिंट होता है, तो वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी जो बताऊँगा वो इंकजेट प्रिंटर के लिए है। और ये सब्लिमेशन से जो लैनयार्ड रिबन कैसे प्रिंट किया जाता है, वो मैं अलग से एक ट्यूटोरियल ले आऊँगा, जो आपको समझाने में आसानी होगा। ये पूरा रोल फॉर्मेट में प्रिंट होता है, तो उसके लिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, एक वीडियो में सारा कवर नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक कार्ड है, इसको मुझे प्रिंट करनी है इंकजेट प्रिंटर से, वो भी वाटरप्रूफ। अगर हम नॉर्मल किसी से करते हैं तो वो इतना सक्सेस नहीं होता। बहुत सारे लोग क्वायरी कर रहे थे कि कुछ ऐसा बताइए जो परमानेंटली हो। चलिए इसको अगर हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पर, इसको यहाँ रख लेते हैं। वैसे सब्लिमेशन लैनयार्ड का अभी कोई काम है नहीं, चलिए तो फ़िलहाल इसको हटा देते हैं और इसको हम प्रिंट करने के लिए कमांड दे देते हैं। अब जब डिज़ाइन करें तो बढ़िया से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये डिज़ाइन पहले से बना हुआ था, इसलिए मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। प्रिंटर चूज़ कर लें अपना। और एक चीज़ और कि ये सेटिंग आप बढ़िया से करें, प्रिंट बहुत ही बढ़िया आएगा। सेटिंग कर लें एपसेंटमेंट और क्वालिटी, हाई क्वालिटी में करेंगे और इसे प्रिंट दे देंगे। इसको मिरर नहीं करना है। बहुत सारे सब्लिमेशन का जो काम करते हैं वो लोग मिरर करके क्वेश्चन करते हैं, मिरर नहीं करना है इसमें। और डायरेक्टली इसे प्रिंट कर देना, जो नॉर्मल फ़ोटो पर प्रिंट करते हैं, बस सेम टू सेम इस पर भी ऐसे ही प्रिंट होगा। चलिए प्रिंट का कमांड हम दे देते हैं, देख लेते हैं प्रिंट होने के बाद कैसा रिज़ल्ट आता है। फ़िलहाल अभी ये प्रिंट हो रहा है, तो होने देते हैं इसे प्रिंट, क्योंकि ये एकदम हाई क्वालिटी में हो रहा है तो वो स्लो होगा प्रिंट। फ़िलहाल दोस्तों मैं अपना सेटअप यहाँ न्यू शॉप में अभी थोड़ा सा बिज़ी था, अभी सेटअप पूरा फुल हुआ नहीं है। फ़िलहाल न्यू शॉप के लिए मतलब पूरा रेडी कर रहा हूँ, बहुत जल्द सारे आइटम पे, जितने भी आइटम है सब पे वीडियो लाऊँगा बढ़िया बढ़िया तरीका से। कुछ आइटम हैं जो मैं हल्के फुल्के कवर कर ले रहा हूँ इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इस वीडियो का मेन उद्देश्य जो है वो कैसे प्रिंट होता है लेज़र, सॉरी नॉर्मल प्रिंटर से कैसे प्रिंट होगा आईडी कार्ड, वो भी वाटरप्रूफ, जिसका कलर नहीं जाए, बढ़िया बढ़िया रहे। क्योंकि ड्रैगन शीट वाली जो वीडियो थी इससे पहले, उसमें बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे, और ये देखिए ये प्रिंट हो भी गया है। चलिए इसको दोस्तों कट कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त अकेले ही वीडियो ये कर रहा हूँ, तो कट करना दोनों चीज़। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सीधे से कट कर लिया है। अब इसको जो है आईडी कार्ड डाई कटर मशीन, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, मैं इसकी सहायता से इसे कटिंग करूँगा। और कटिंग करने के बाद इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आता है, इसके पीछे एक गमिंग शीट रिलीज़ होती है, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको अभी इसमें कट कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे उखाड़ के लगाया जाता है। और ये देखिए इसके पीछे रिलीज छोड़ा करके आईडी कार्ड होल्डर पे आराम से, माफ़ कीजिएगा ये बहुत सारा शोर है इसके लिए, इस पर पेस्ट करेंगे। और दोस्तों ये पेपर नहीं है, अगर से आपका गलत चिपक जाता है तो आप इसको रिपीट करके दोबारा से भी लगा सकते हैं। रीज़न है कि ये विनाइल होता है, विनाइल स्टिकर होता है, ये पेपर ही नहीं होता, ये विनाइल स्टिकर होता है। इसको आप दोबारा से खींच के निकाल के फिर से लगा सकते हैं। इसका और भी यूज़ है, बहुत सारे यूज़ है, मोबाइल कवर मोबाइल के पीछे भी आप स्टिकर का यूज़ करके आप कर सकते हैं। ये देखिए ये रेडी हो गया। और ये है दोस्तों सब्लिमेशन आई कार्ड, जो ये फुली सब्लिमेशन है, इसका लैनयार्ड भी, इसका जो कार्ड बना हुआ है, ये सारा कुछ। दोस्तों हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट है, जैसे ये कि मैजिक कुशन है, एलईडी क्वेश्चन है, जैसे कि ये इसमें रिमोट है, जैसा आप इसका बटन स्विच ऑन करेंगे, जिस टाइप से आप कलर जो कलर चाहेंगे उस कलर से आपका ये प्रिंट होकर के आपके सामने आ जाएगा। इसको प्रिंट कैसे करते हैं, इस पर फ़ोटो कैसे अटैच करते हैं, ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा।